भारतीय मोबाइल फोन बाजार ने एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार कर लिया। पहली बार देश में मोबाइल फोन कनेक्शनों की संख्या फिक्स्ड लाइन कनेक्शनों की संख्या से आगे निकल गई। हालांकि भारत के मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग उद्योग को गति पकड़ने में अभी भी कुछ समय लगा। 2014 में आते हैं, भारत में केवल 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थीं। लेकिन इंटरनेट सस्ता होने के साथ भारत में ई कॉमर्स का प्रवेश और कम कीमतों पर बेचने के इच्छुक चीनी ब्रांडों की आमद ने स्मार्टफोन की मांग आसमान छू ली। चीनी ब्रांडों ने लोकप्रियता में माइक्रोमैक्स, लावा और इंटेक्स जैसे घरेलू निर्माताओं को जल्द ही पीछे छोड़ दिया। जियो ने बाजार में प्रवेश किया दिसंबर 2015 में मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस जियो को कर्मचारियों और भागीदारों के लिए बीटा के साथ सॉफ्ट लॉन्च किया गया था। सितंबर 2016 में यह सेवा व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हो गई। 31 मार्च 2017 तक मुफ्त डेटा और वॉयस कॉल के साथ 4G सेवाएं शुरू। आज जियो भारत में सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर है। एंड्रॉयड फोन का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसने समाज और अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यहाँ कुछ प्रमुख प्रभाव और योगदान दिए गए हैं। 1. डिजिटल समावेशन और कनेक्टिविटी। व्यापक रूप से अपनाया जाना, किफायती कीमतों और व्यापक उपलब्धता के साथ एंड्रॉयड फोन लाखों भारतीयों के लिए इंटरनेट एक्सेस का प्राथमिक साधन बन गए हैं। डिजिटल डिवाइड को पाटना, उन्होंने सूचना, शिक्षा और सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल डिवाइड को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2. आर्थिक विकास और रोजगार। स्थानीय विनिर्माण, मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा दिया है, जिसमें सैमसंग और एप्पल जैसी कंपनियां भारत में फोन असेंबल कर रही हैं। इसने कई नौकरियां पैदा की हैं और आर्थिक विकास में योगदान दिया है। ई कॉमर्स बूम, मोबाइल इंटरनेट के उदय ने ई कॉमर्स के विकास को बढ़ावा दिया है, जिससे छोटे व्यवसायों को व्यापक दर्शकों तक पहुंचने और उपभोक्ताओं को सुविधाजनक तरीके से खरीदारी करने में मदद मिली है। 3. सामाजिक प्रभाव सशक्तिकरण। एंड्रॉइड फोन ने सामाजिक संपर्क, शिक्षा और आत्म अभिव्यक्ति के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करके व्यक्तियों को सशक्त बनाया है। वे उपयोगकर्ताओं को सोशल मीडिया, ऑनलाइन शिक्षण संसाधनों और डिजिटल भुगतान प्रणालियों तक पहुंचने में सक्षम बनाते हैं। स्वास्थ्य सेवा और सरकारी सेवाएं। मोबाइल ऐप ने लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं और सरकारी योजनाओं तक पहुंच को आसान बना दिया है, जिससे जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार हुआ है। 4. नवाचार और प्रौद्योगिकी। ऐप विकास। एंड्रॉइड की लोकप्रियता ने ऐप विकास में नवाचार को बढ़ावा दिया है। कई भारतीय डेवलपर्स ऐसे ऐप बना रहे हैं जो स्थानीय जरूरतों और प्राथमिकताओं को पूरा करते हैं। तकनीकी उन्नति। बेहतर स्मार्टफोन की मांग ने मोबाइल नेटवर्क और डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार सहित प्रौद्योगिकी में उन्नति को बढ़ावा दिया है। 5. सांस्कृतिक बदलाव। सामग्री का उपभोग। एंड्रॉइड फोन ने भारतीयों के सामग्री का उपभोग करने के तरीके को बदल दिया है, जिसमें स्ट्रीमिंग सेवाओं, ऑनलाइन समाचार और सोशल मीडिया सहित डिजिटल मीडिया की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। व्यक्तिकरण। वे उपयोगकर्ताओं को अपने डिजिटल अनुभवों को व्यक्तिकृत करने की अनुमति देते हैं। अपने फोन को कस्टमाइज करने से लेकर अपनी रुचियों के अनुरूप सामग्री तक पहुंचने तक। कुल मिलाकर एंड्रॉयड फोन भारत में बदलाव के लिए उत्प्रेरक रहे हैं, डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा दे रहे हैं और समाज और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं। क्या इस प्रभाव का कोई ऐसा विशेष पहलू है जो आपको अधिक रुचिकर लगता है? 2002 में CDMA ने तस्वीर में प्रवेश किया। US आधारित चिप मेकर क्वालकॉम द्वारा अग्रणी CDMA दूसरी पीढ़ी का दूर संचार मानक था।
तब तक GSM पहले से ही 2G संचार के लिए एक प्रमुख मानक था, जिसने बाजार के 80% हिस्से पर कब्जा कर लिया था। भारत में कई दूर संचार कंपनियां आधारित नेटवर्क पर काम करती थीं, लेकिन टाटा टेली और रिलायंस आगे बढ़े और आधारित नेटवर्क पर काम करना शुरू कर दिया। आखिरकार हच भी CDMA ऑपरेटर बन गया। नतीजतन CDMA फिलहाल 20% पर अपनी बाजार हिस्सेदारी को स्थिर करने में सक्षम था। उस समय मोबाइल फोन महंगे थे। एरिक्सन, सीमेंस, सोनी, फिलिप्स, नोकिया और मोटोरोला द्वारा बनाए गए हैंडसेट की लागत का लगभग 60% सीमा शुल्क था। इसके अलावा बिक्री कर और टर्नओवर कर भी इसमें जुड़ गए। लेकिन सितंबर 2004 में तेजी से बढ़ते भारतीय मोबाइल फोन बाजार ने एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार कर लिया। पहली बार देश में मोबाइल फोन कनेक्शनों की संख्या फिक्स्ड लाइन कनेक्शनों की संख्या से आगे निकल गई। हालांकि भारत के मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग उद्योग को गति पकड़ने में अभी भी कुछ समय लगा। 2014 में आते हैं, भारत में केवल 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थीं। लेकिन इंटरनेट सस्ता होने के साथ भारत में ई कॉमर्स का प्रवेश और कम कीमतों पर बेचने के इच्छुक चीनी ब्रांडों की आमद ने स्मार्टफोन की मांग आसमान छू ली। चीनी ब्रांडों ने लोकप्रियता में माइक्रोमैक्स, लावा और इंटेक्स जैसे घरेलू निर्माताओं को जल्द ही पीछे छोड़ दिया। जियो ने बाजार में प्रवेश किया दिसंबर 2015 में मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस जियो को कर्मचारियों और भागीदारों के लिए बीटा के साथ सॉफ्ट लॉन्च किया गया था। सितंबर 2016 में यह सेवा व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हो गई। 31 मार्च 2017 तक मुफ्त डेटा और वॉयस कॉल के साथ 4G सेवाएं शुरू। आज जियो भारत में सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर है। एंड्रॉयड फोन का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसने समाज और अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यहाँ कुछ प्रमुख प्रभाव और योगदान दिए गए हैं। 1. डिजिटल समावेशन और कनेक्टिविटी। व्यापक रूप से अपनाया जाना, किफायती कीमतों और व्यापक उपलब्धता के साथ एंड्रॉयड फोन लाखों भारतीयों के लिए इंटरनेट एक्सेस का प्राथमिक साधन बन गए हैं। डिजिटल डिवाइड को पाटना, उन्होंने सूचना, शिक्षा और सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल डिवाइड को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2. आर्थिक विकास और रोजगार। स्थानीय विनिर्माण, मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा दिया है, जिसमें सैमसंग और एप्पल जैसी कंपनियां भारत में फोन असेंबल कर रही हैं। इसने कई नौकरियां पैदा की हैं और आर्थिक विकास में योगदान दिया है। ई कॉमर्स बूम, मोबाइल इंटरनेट के उदय ने ई कॉमर्स के विकास को बढ़ावा दिया है, जिससे छोटे व्यवसायों को व्यापक दर्शकों तक पहुंचने और उपभोक्ताओं को सुविधाजनक तरीके से खरीदारी करने में मदद मिली है। 3. सामाजिक प्रभाव। सशक्तिकरण, एंड्रॉइड फोन ने सामाजिक संपर्क, शिक्षा और आत्म अभिव्यक्ति के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करके व्यक्तियों को सशक्त बनाया है। वे उपयोगकर्ताओं को सोशल मीडिया, ऑनलाइन शिक्षण संसाधनों और डिजिटल भुगतान प्रणालियों तक पहुंचने में सक्षम बनाते हैं। स्वास्थ्य सेवा और सरकारी सेवाएं, मोबाइल ऐप ने लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं और सरकारी योजनाओं तक पहुंच को आसान बना दिया है, जिससे जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार हुआ है। 4. नवाचार और प्रौद्योगिकी। ऐप विकास, एंड्रॉइड की लोकप्रियता ने ऐप विकास में नवाचार को बढ़ावा दिया है। कई भारतीय डेवलपर्स ऐसे ऐप बना रहे हैं जो स्थानीय जरूरतों और प्राथमिकताओं को पूरा करते हैं। तकनीकी उन्नति, बेहतर स्मार्टफोन की मांग ने मोबाइल नेटवर्क और डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार सहित प्रौद्योगिकी में उन्नति को बढ़ावा दिया है। 5. सांस्कृतिक बदलाव। सामग्री का उपभोग, एंड्रॉइड फोन ने भारतीयों के सामग्री का उपभोग करने के तरीके को बदल दिया है, जिसमें स्ट्रीमिंग सेवाओं, ऑनलाइन समाचार और सोशल मीडिया सहित डिजिटल मीडिया की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है।
व्यक्तिकरण वे उपयोगकर्ताओं को अपने डिजिटल अनुभवों को व्यक्तिकृत करने की अनुमति देते हैं। अपने फोन को कस्टमाइज करने से लेकर अपनी रुचियों के अनुरूप सामग्री तक पहुंचने तक। कुल मिलाकर एंड्रॉयड फोन भारत में बदलाव के लिए उत्प्रेरक रहे हैं, डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा दे रहे हैं और समाज और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं। क्या इस प्रभाव का कोई ऐसा विशेष पहलू है जो आपको अधिक रुचिकर लगता है? भारत में पहला एंड्रॉइड आधारित स्मार्टफोन HTC Dream था, जिसे 2009 में लॉन्च किया गया था। इसे भारतीय एयरटेल ने एक एक्सक्लूसिव कैरियर के रूप में पेश किया था। भारत में एंड्रॉइड उपयोगकर्ताओं की संख्या बहुत बड़ी है। 2024 में एंड्रॉइड का मार्केट शेयर 95.32% है, जो इसे सबसे लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है। प्रमुख कारण: सस्ती कीमत। एंड्रॉइड स्मार्टफोन विभिन्न मूल्य श्रेणियों में उपलब्ध हैं, जिससे यह सभी वर्गों के लोगों के लिए सुलभ है। विविधता, विभिन्न ब्रांड्स और मॉडल्स के साथ उपयोगकर्ताओं के पास कई विकल्प होते हैं। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म। एंड्रॉइड का ओपन सोर्स नेचर डेवलपर्स को विभिन्न प्रकार के ऐप और कस्टमाइजेशन की सुविधा देता है। भारत में लोग औसतन 4.9 घंटे प्रतिदिन अपने स्मार्टफोन पर बिताते हैं। यह समय विभिन्न गतिविधियों जैसे ऑनलाइन मैसेजिंग, सोशल मीडिया, YouTube स्ट्रीमिंग, OTT कंटेंट और शॉर्ट फॉर्म वीडियो देखने में खर्च होता है। भारत में लोग अपने स्मार्टफोन पर औसतन 4.9 घंटे प्रतिदिन बिताते हैं। इस समय को विभिन्न गतिविधियों में विभाजित किया जा सकता है। 1. ऑनलाइन मैसेजिंग और सोशल मीडिया लगभग 20% समय। 2. वीडियो स्ट्रीमिंग, YouTube, OTT प्लेटफॉर्म लगभग 15% समय। 3. शॉर्ट फॉर्म वीडियो जैसे TikTok, Instagram रील्स लगभग 10% समय। 4. गेमिंग लगभग 10% समय। 5. ऑनलाइन शॉपिंग लगभग 8% समय। अन्य गतिविधियां जैसे ईमेल, ब्राउजिंग आदि शेष समय। भारत में एंड्रॉइड फोन के माध्यम से लोग विभिन्न तरीकों से आय अर्जित कर रहे हैं। यहाँ कुछ प्रमुख तरीकों का उल्लेख है। 1. फ्रीलांसिंग और गिग इकोनॉमी। कई लोग अपने एंड्रॉइड फोन का उपयोग करके फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे UPWRK, FIVERR पर काम कर रहे हैं। 2. कंटेंट क्रिएशन। YouTube, Instagram और TikTok जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट क्रिएट करके लोग अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। 3. ऑनलाइन ट्यूशन और कोचिंग। कई लोग अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके ऑनलाइन ट्यूशन और कोचिंग सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मोबाइल एप्स। विभिन्न मोबाइल एप्स जैसे SWAGBUCKS COINTIPLY के माध्यम से लोग सर्वेक्षण, विज्ञापन देखने और रेफरल प्रोग्राम्स के जरिए पैसे कमा रहे हैं। 2024 में लाखों भारतीय अपने एंड्रॉइड फोन के माध्यम से आय अर्जित कर रहे हैं। यह संख्या तेजी से बढ़ रही है क्योंकि अधिक से अधिक लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कर रहे हैं। भारत में एंड्रॉइड फोन के माध्यम से कई सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध हैं, जो लोगों के जीवन को आसान और अधिक सुविधाजनक बनाती हैं। यहाँ कुछ प्रमुख सेवाओं का उल्लेख है। 1. संचार सेवाएं। कॉलिंग और मैसेजिंग। एंड्रॉइड फोन के माध्यम से लोग आसानी से कॉल और मैसेज कर सकते हैं। वीडियो कॉलिंग। व्हाट्सएप, गूगल मीट, जूम जैसी एप्स के माध्यम से वीडियो कॉलिंग की सुविधा। 2. इंटरनेट ब्राउजिंग। वेब ब्राउजिंग, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स जैसी ब्राउजर्स के माध्यम से इंटरनेट ब्राउजिंग। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग। 3. मनोरंजन। वीडियो स्ट्रीमिंग। यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो जैसी एप्स पर वीडियो स्ट्रीमिंग। म्यूजिक स्ट्रीमिंग। स्पॉटिफाई, गाना, JioSaavn जैसी एप्स पर म्यूजिक स्ट्रीमिंग। 4. ऑनलाइन शॉपिंग। ई कॉमर्स, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसी एप्स के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग। डिजिटल पेमेंट्स, गूगल पे, फोन पे,
पेटीएम जैसी ऐप्स के माध्यम से डिजिटल पेमेंट सर। 5 शिक्षा और ई लर्निंग, ऑनलाइन कोर्स, बायजूस, अनअकैडमी, कोर्सेरा जैसी ऐप्स के माध्यम से ऑनलाइन कोर्स, ईबुक्स और ऑडियो बुक्स, किंडल, ऑडिबल जैसी ऐप्स के माध्यम से ईबुक्स और ऑडियो बुक्स। 6 स्वास्थ्य और फिटनेस, फिटनेस ट्रैकिंग, गूगल फिट, फिटबिट जैसी ऐप्स के माध्यम से फिटनेस ट्रैकिंग, टेली मेडिसिन, फैक्टो, वनएमजी जैसी ऐप्स के माध्यम से डॉक्टर से ऑनलाइन परामर्श। 7 नेविगेशन और ट्रांसपोर्ट, मैप्स और नेविगेशन, गूगल मैप्स, मैप माय इंडिया जैसी ऐप्स के माध्यम से नेविगेशन, कैब सर्विसेज, ओला, उबर जैसी ऐप्स के माध्यम से कैब बुकिंग। भारत में एंड्रॉइड उपयोगकर्ताओं की संख्या बहुत बड़ी है और यह राज्यवार भी भिन्न होती है। हालांकि सटीक राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन हम कुछ सामान्य जानकारी साझा कर सकते हैं। भारत में एंड्रॉइड उपयोगकर्ता, कुल उपयोगकर्ता, भारत में एंड्रॉइड का मार्केट शेयर लगभग 95.32% है। स्मार्टफोन उपयोगकर्ता, भारत में लगभग 700 मिलियन स्मार्टफोन उपयोगकर्ता हैं। राज्यवार उपयोगकर्ता, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य होने के कारण यहां सबसे अधिक एंड्रॉइड उपयोगकर्ता हो सकते हैं। महाराष्ट्र, मुंबई और पुणे जैसे बड़े शहरों के कारण यहां भी बड़ी संख्या में एंड्रॉइड उपयोगकर्ता हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे तकनीकी हब के कारण यहां भी बड़ी संख्या में उपयोगकर्ता हैं। आय अर्जित करने वाले लोग, फ्रीलांसिंग और गिग इकॉनमी, लाखों लोग फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर काम कर रहे हैं। कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट क्रिएट करके लोग अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। ऑनलाइन ट्यूशन और कोचिंग, कई लोग अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके ऑनलाइन ट्यूशन और कोचिंग सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अगर भारत में एंड्रॉइड फोन का उपयोग बंद कर दिया जाए तो इसका प्रभाव बहुत व्यापक होगा। यहाँ कुछ संभावित प्रभावों का उल्लेख है। आर्थिक नुकसान, इंटरनेट शटडाउन के उदाहरण, 2020 में भारत ने इंटरनेट शटडाउन के कारण लगभग 2.8 बिलियन, लगभग 2000 करोड़ का नुकसान उठाया था। एंड्रॉइड फोन का उपयोग बंद होने पर भी इसी तरह का आर्थिक नुकसान हो सकता है। डिजिटल पेमेंट्स और ई कॉमर्स, डिजिटल पेमेंट्स और ई कॉमर्स पर भी बड़ा असर पड़ेगा, जिससे व्यापार और लेन देन में भारी गिरावट आ सकती है। लोगों और संगठनों पर प्रभाव, उपयोगकर्ता, भारत में लगभग 700 मिलियन स्मार्टफोन उपयोगकर्ता हैं, जिनमें से अधिकांश एंड्रॉइड का उपयोग करते हैं। इन सभी लोगों को संचार, मनोरंजन, शिक्षा और अन्य सेवाओं में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। व्यवसाय, कई छोटे और बड़े व्यवसाय अपने संचालन के लिए एंड्रॉइड फोन पर निर्भर हैं। इन व्यवसायों को भी बड़ा नुकसान होगा। फ्रीलांसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स, लाखों फ्रीलांसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स अपनी आय के लिए एंड्रॉइड फोन पर निर्भर हैं। इनके लिए भी यह एक बड़ा झटका होगा। संभावित नुकसान, आर्थिक नुकसान, एक दिन में अरबों रुपए का नुकसान हो सकता है। लोगों की संख्या, करोड़ों लोग और हजारों संगठन प्रभावित होंगे।